डॉक्टर्स की लापरवाही से शहडोल जिला अस्पताल में 12 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो गई। शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 4 बच्चों और बच्चा वार्ड में 2 बच्चों की मौत के मामले से हड़कंप मच गया है। इसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों को बच्चों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शहडोल जिला चिकित्सालय में 12 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आ रही है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री कमलेश्वर पटेल भी अस्पताल का जायजा लेने के लिए शहडोल जिला अस्पताल पहुंचे। हालांकि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन उनको नहीं मिले, लेकिन उन्होंने शहडोल जिला अस्पताल में CMHO डॉक्टर राजेश पांडे तथा अन्य स्टाफ से बात कर स्थिति का जायजा लिया। हमने जिला चिकित्सालय का विजिट भी किया है, वहाँ पे जाके कई परिजनों से भी चर्चा की है। जो इनकी मृत्यु हुई है उनके परिजन तो नहीं थे, पर और भी जो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उनसे भी चर्चा की है। जिला के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से भी चर्चा की है, वहाँ के सिविल सर्जन CMHO डॉक्टरों से भी चर्चा की है, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी निर्देशित किया है। जो कमियां समझ में आई साफ सफाई से लेके वो भी निर्देशित किया। कमिश्नर साहब को बोला भी है हमने कि कमेटी बना के अधिकारियों के और इसकी जांच कराइए, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो, कोई लापरवाही हुई हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। बच्चों की मौत की खबर लगते ही सुबह 10 बजे अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक वे SNCU में रहे और CMHO तथा SNCU प्रभारी डॉक्टर सुनील हथगेल से पूरी स्थिति का जायजा लेते रहे। जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें खरला गांव की चेत कुमारी, भटगांव की फूलमती सिंह, परमनिया निवासी सूरज बैगा, कोटमा गांव की अंजलि बैगा तथा हर्रा टोला की सुभाष बैगा के नाम शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने शहडोल और सतना में बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जांच के आदेश जारी किए। शहडोल के जिला अस्पताल में 6 बच्चों की मौत के मामले में CM कमलनाथ ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को इस मामले को तुरंत देखने को कहा। इधर दूसरी ओर सतना जिले के नया गांव पंचायत के कोनेता आंगनबाड़ी केंद्र में पेटाबेलिन के टीकाकरण के 48 घंटे बाद 7 में से 2 मासूमों की मौत हो गई। कलेक्टर SP व स्वास्थ्य विभाग की टीम सभापुर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दोनों मासूमों की प्रारंभिक PM रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मासूमों की मौत टीकाकरण से नहीं बल्कि सांस की नली में दूध के थक्के जमने से हुई है। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दोनों बच्चों की मौत टीकाकरण से हुई है। CMHO ने संबंधित के खिलाफ सभापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। 2 बच्चों की मौत से गांव में शोक का माहौल छा गया है। जिला अस्पताल शहडोल में जिसको क्लब करके 6 बच्चों का कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली SNCU में वो 2 बच्चे हैं जो लंबे समय से भर्ती थे। SNCU में 2 बच्चे थे, एक 30/12/19 से और एक बच्चा 8 जनवरी से। 8 जनवरी वाला बच्चा जयसिंह नगर ब्लॉक में पैदा हुआ था और वहाँ से अति कम वजन और स्थिति गंभीर होने के कारण वहाँ से क्रिटिकल केयर के लिए यहाँ भेजा गया था। वो वेंटिलेटर पर था 8 जनवरी से और उसकी मृत्यु भी इत्तेफाकन कल ही हुई है। और जो बच्चा 30 दिसंबर को जो जिला अस्पताल शहडोल में ही जन्म लिया था, वो भी तब से श्वास की समस्या के कारण गंभीर स्थिति में था और उसकी भी मृत्यु कल हुई है। और बाकी के जो 4 बच्चों की बात है, 2 बच्चे पीकू में PICU कहलाता है बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट, और 2 बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड में। इस तरह से डेथ्स हुई हैं। तो 2 बच्चों हाँ, इसमें से जो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे निमोनिया से ग्रसित थे और निमोनिया के लेट कॉम्प्लिकेशन जो सेप्टिसीमिया होता है, तो निमोनिया की लेट स्थिति में आने के कारण उनकी जो इलाज रत था, मतलब उपचार रत थे, और उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।